हाय दोस्तों, आई एम राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राज घिल्दियाल। पहले पिक्सार्ट को खोले अपने फ़ोन में, उसके बाद एक अपना जो PNG है बैकग्राउंड वो लेंगे, उसके बाद अपना एक PNG लेंगे, फ़ोटो का PNG मैं इरेज करके रखा हुआ हूँ। इरेज करने नहीं आता तो कमेंट में बताइएगा, मैं इरेज पर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो सिंपली यहाँ से डन कर देंगे, सिंपली डन। उसके बाद फिर ऐड फोटो में जाएंगे, दो PNG लेंगे, एक डबल लेंस का और एक नीचे स्मोक का है छोटा सा, दोनों PNG लेंगे। PNG को ऐड करके स्मोक वाला नीचे लगाएंगे अपने मॉडल के नीचे और इसको ब्लेंड में जाके स्क्रीन कर देंगे। फिर डबल लेंस के PNG अपने फ़ोटो के जो मॉडल है उसी के साइड में लगाएंगे, जिसे देखने में अच्छा लुक आए। इसको अच्छे से ब्लेंड में जाकर स्क्रीन कर देंगे, उसके बाद थोड़ा एडजस्ट करेंगे अच्छे से, देखने में अच्छा लगे। इसको सिंपली डन कर देंगे, फिर ऐड फोटो में जाएंगे, ऐड फोटो में जाने के बाद फिर एक PNG लेंगे, क्राउन का PNG, क्राउन जो भी लेटेस्ट वर्जन में चल रहा है, इसको सिंपली ब्लेंड करेंगे और अच्छे से एडजस्ट कर देंगे। एडजस्ट जूम करके अच्छे से कीजिएगा, अरे बनाने की कोई बात नहीं है, अच्छे से कीजिएगा देखकर। फिर सिंपली डन करेंगे, डन करने के बाद फिर ऐड फोटो में जाएंगे, तो ऐड फोटो में जाने के बाद एक सिग्नेचर का PNG लेंगे। सिग्नेचर का PNG नहीं आता है तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, इसके ऊपर भी ट्यूटोरियल बना दूंगा। सिंपली यहाँ लगा कर डन कर देंगे और फिर ब्यूटी में जाएंगे, सिंपली डन। ब्यूटी में जाएंगे, ब्यूटी में जाने के बाद स्किन टोन में जाएंगे। स्किन टोन के बाद इसको अभी बफरिंग ले रहा है, बफरिंग लेने दीजिए। बफरिंग जैसे ही ख़त्म होगा इसको सिंपली फिर डन करेंगे। फिर फेस फिक्स में जाएंगे, इसको अच्छे से फेस फिक्स में इरेज करेंगे, जिससे फेस स्मूथ होता है। स्मूथ करने के बाद हैंड करेंगे, फिर लेग्स करेंगे, लेग्स हो गया, उसके बाद सिंपली डन कर देंगे। फिर सिंपली डन करेंगे, फिर इफेक्ट में जाएंगे, कलर्स में जाएंगे और इन्वर्ट एक अथी होगा उसको इन्वर्ट कर दीजिएगा। उसके बाद फिर इरेजर टूल में जाकर फिर इन्वर्ट कीजिएगा। उसके बाद अपने गूगल्स को ऊपर ड्रॉ कीजिएगा, अच्छे से ड्रॉ कीजिए। ड्रॉ करने के बाद इसको अच्छे से एडजस्ट कीजिएगा, मेरे ज़्यादा हो गया तो इरेज किए। उसके बाद फिर डन करेंगे, उस पर डन करने के बाद इन्वर्ट को सिंपली पूरा कर देंगे और रेड आ जाएगा। डन करेंगे, फिर इसके बाद अपने लेग्स के नीचे रियल लुक देने के लिए शैडो बनाएंगे। शैडो के लिए अच्छे वाले ब्रश को ओपेसिटी को 100 करेंगे। उसके बाद अच्छे से इरे ड्रॉ करेंगे, अच्छे से ड्रॉ। मेरा ये न्यू यूट्यूब चैनल है, इसको सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छे से एडजस्ट कीजिए, अच्छे से ड्रॉ करने के बाद थोड़ा जूता पर चला गया है, उसको फिर से इरेज करेंगे। इरेज करने के बाद फिर ये लेग्स के पास आएंगे, तो गला खसखस आ गया है, इसको से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वीडियो देखिए, अच्छे से ड्रॉ करेंगे, फिर बस इतना ही छोड़ देंगे। अब इस लेग में आएंगे, इस लेग्स में आकर इसको भी ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद
को ड्रॉ अच्छे से करेंगे। उसके बाद 3 डॉट है साइड में, उसके पे जाके ओपेसिटी 30% कर देंगे। 30% करने के बाद सिंपली डन कर देंगे। फिर ड्रॉ टूल में जाकर इसको सिंपली डन करेंगे और 3 डॉट में जाकर सिंपली डन। और पिक्स आर्ट का काम ख़त्म हो गया। अब लाइट रूम में जाएंगे, वो मैं और मेरा भांजा था। लाइट रूम में जाएंगे, लाइट रूम का न्यू वर्जन लेना है कमेंट में बताइएगा। फ़ोटो को सिंपली सेव करेंगे। अभी थोड़ा बफरिंग ले रहा है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके भी फ़ोन में हो सकता है। इसको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद अपने फ़ोटो के लेंगे। फ़ोटो के लेने के बाद इसको हाईलाइट को कम करेंगे, साइडों को कम करेंगे, वाइट को ज़्यादा बढ़ाएंगे, बैक लैग को भी बढ़ाएंगे। टेम्परेचर में जाएंगे, कस्टम करेंगे, मिक्स में जाएंगे, सेकंड को लूमिनस बढ़ा देंगे और थर्ड का ह्यूज कम कर देंगे। फिर यहाँ से डन करेंगे। फिर टेम्परेचर वेरिएशन को बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को बढ़ा दिए, क्लियरिटी को बढ़ा दें, डिजायर को बढ़ा दिए, विगनेट को कम कर देंगे। फिर इसके बाद एक और इसके बाद आगे जाएंगे ट्रेंगल पर, शार्पनिंग को बढ़ा देंगे ज़्यादा। और इसके बाद नो रिड्यूशन को भी बढ़ा देंगे, जिससे आपके फेस स्मूथ रहेंगे। फिर कॉन्ट्रास्ट को जाकर फिर से बढ़ा देंगे। आपका एडिटिंग ख़त्म हुआ। और ये इसके बिफोर आफ्टर मस्त लग रहा है, इसको डन कर देंगे सिंपली। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और नए नए अपडेट पाने के लिए बैक आइकन को दबा दीजिएगा। घिल्दियाल एडिट्स मेरा चैनल नेम है।